हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुशवाहा। वेलकम टू एवन कंपटीशन जॉन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेरा सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो गया है। आज मेरी सुपर टेट की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज। और इस परसेंटेज में हम जो पढ़ेंगे आज, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे और इसमें पूरा बेसिक क्लियर करेंगे। इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, उस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे और कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर चलते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, A1 जॉन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या आप बार कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको सुपर टेट का बैच परचेस करना है, ये हमारा ऑनलाइन आएगा। प्ले स्टोर पर जाइए, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए A1 के नाम से। A1 जैसे ही आप नाम सर्च करोगे, मेरा ऐप है, ऐप आ जाएगा। इस तरीके का लोगो होगा, या कोई और भी लोगो हो सकता है, देख लेना, लेकिन A1 के नाम से होगा। उस पर क्या होगा, आपको सुपर टेट का बैच मिल जाएगा, उसको आप परचेस करिए। उस पर आपकी क्लासेस सारी डेली की डेली मिल जाएंगी। क्लियर। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। और परसेंटेज को बिल्कुल अच्छे समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे भी हो, कैसे भी क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर। चलिए अब देखिए, परसेंटेज हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रतिशत। क्या कहते हैं, प्रतिशत। एक चीज समझिए, प्रतिशत का क्या मतलब होता है। प्रति माने हमारा वन होता है, और शत माने हमारा क्या होता है, 100 होता है। इसका मतलब होता है 100, यानी एक पे 100। क्लियर। एक पे क्या रहेगा, 100 पे वर्क करेगा। अब एक चीज़ समझिए, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100%। मान लीजिए ये सेटअप लगाने में जितना भी रुपया खर्च हुआ हो, वो अपने आप में क्या, 100%। यानी मैंने अकेला इसमें लगाया, तो इसका मतलब क्या, इसमें मेरा पूरा 100% खर्च हुआ है रुपये। क्लियर। अगर इसमें किसी और की पार्टनरशिप हो जाती, मान लो 50%, तब मैं कह सकता हूँ 50% उसकी पार्टनरशिप है, 50% मेरी है। लेकिन अगर अकेला मैं वर्क कर रहा हूँ, तो कितने भी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 1,000,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, वो भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। क्लियर। अब एक चीज़ समझिए, जब भी मुझे किसी वैल्यू, मान लो 100, ये मेरी क्या वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू का मुझे कितना 10% निकालना है, कितना 10% निकालना है। तब हम क्या करेंगे, मुझे बस क्या करना, जो वैल्यू होती है, वैल्यू का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो परसेंटेज दे रखा है, इस परसेंटेज मुझे 10% दे रखा है, तो ये हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 10% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अभी हम समझाएंगे, अभी आप यहीं तक छोड़िए, ठीक है। अब समझिए, अब एक चीज़ समझिए, हम परसेंटेज है ये, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको पता होगा, इस परसेंटेज के सिंबल को पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, वो भी हम बताएंगे कैसे करेंगे। और इस सिंबल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे, ठीक है। आप समझिए, पहले आप इतनी देखिए और समझिए, फिर आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ समझिए, पहले मैं आपसे कह दूं, आपके मान लो आपके हाई स्कूल में 80 नंबर आए, कितने में से, 100 में से। अगर आपके टोटल 100 अंकों का एग्ज़ाम था, उसमें आपके 80 नंबर आए, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, आप तुरंत क्या करोगे, 80/100। परसेंटेज का सिंबल लगाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। देखो, 100 किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, परसेंटेज का सिंबल पुट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ये मेरी कैसी वैल्यू होगी, फ्रैक्शन की वैल्यू, कैसी होगी, फ्रैक्शन। ये मेरा क्या हो गया, 100 से 100 कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 80% हमारे क्या आ गए, नंबर आ गए। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आपसे कोई कहे कि आपके इतने नंबर हैं, टोटल इतने हैं, तो परसेंटेज निकालिए, आप निकाल लोगे। क्लियर। यहाँ तक तो हर लोग कोई कर लेगा। अब एक चीज़ समझिए, जैसे कि मैंने अभी ये बोला था, कोई वैल्यू है 100 रुपये, 100 का मुझे कितना 10% निकालना है, कितना 10%। समझिए, अगर मेरा कितना है, 100 रुपये है, 100 का 10% निकालेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अब देखो, इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई 1/100 क्या होता है,
मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारा कितना आ गया 10। तो हम कह सकते हैं 100 रुपये या 100 नंबर का 10% मेरा कितना होगा, 10 होगा। ये थी बेसिक सी चीज़ जो आपको किसी को जैसे नहीं आता तो उनके लिए ये मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्लियर। अब एक चीज़ समझिए, ये तो 10% दे दे या 20% दे दे, आप अब निकाल लो। अगर मैं आपसे कह दूँ 100 का 20% निकालो तो आप क्या करोगे, 100 × 20%। क्लियर। अब देखो 20% मुझे निकालना है, तो मैंने आपको बताया 100 × 20 × 1/100। जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मेरा कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए ये बिल्कुल बेसिक था। अब देखिए इस तरीके के परसेंटेज की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब एक चीज़ समझिए, अब क्या कर रहा है, जैसे एग्जाम में बाई चांस में समझ लो कि आपका फ्रैक्शन आ जाए 16 × 2/3%, इस तरीके के फ्रैक्शन आ जाए, तब आप हम कैसे निकालेंगे। मैं आपसे कह दूँ 100 का निकालो, क्या करोगे 16 × 2/3% निकालो। अब इसको सॉल्व भी करते रहेंगे और टाइम मेरा कितना जाएगा। तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं आपके एग्जाम में, लेकिन हम लोगों को क्या करना, एक कदम आगे चलना है, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे हम उसको कर लें। क्लियर। अब चलिए पहले इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन को मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद परसेंटेज पे आएंगे। अब एक चीज़ समझिए पहले, ये मेरा एक है क्या सर्किल, समझिए थोड़ा फ्रैक्शन को समझते हैं। पहले थोड़ा फ्रैक्शन को समझते हैं। ये क्या है, मेरा सर्किल है। ये सर्किल अपने आप में क्या है, एक 100% है। इसके एक भी पार्ट हुए नहीं हुए, तो ये अपने आप में क्या है, 100% है। क्या 100% है। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, किसमें, 2 पार्ट में, ये 1 और 1 कितने में हो गया, 2 पार्ट। टोटल कितने पार्ट हैं इसके, 2 हैं। कितने, 2 हैं। अगर मैं आपसे कह दूँ देखिए एक चीज़ समझिए, अगर फ्रैक्शन पूछते फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कह दोगे जो हमारा x/y के रूप में हो वो हमारा क्या है, फ्रैक्शन होता है। क्या फ्रैक्शन क्या होता है, x/y के रूप में हो वो हमारा क्या है, फ्रैक्शन होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अगर इसका मैंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 और 1, टोटल कितने, 2 पार्ट है। कितने, 2 पार्ट है। एक चीज़ समझिए, जब आपके पास टोटल 2 पार्ट है, 2 पार्ट में से 1 पार्ट आपने खा लिया, तो आपने कितना पार्ट खाया, 1, कितने थे टोटल, 2। तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हो 1/2। क्या लिख सकते हो, 1/2। इसका मतलब ये रहेगा कि अगर आपके पास टोटल 2 पार्ट थे तो 2 पार्ट में से 1 पार्ट आपने खा लिया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इसमें से 1 पार्ट आपने क्या कर लिया, खा लिया। ठीक है, 1 पार्ट ये ले लिया है, कुछ भी कर लिया। ठीक है, तो जब 1 पार्ट ये आपने ले लिया, टोटल पार्ट कितने थे, 2 थे, 2 में से 1 ले लिया, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, x/y के रूप में आप लिखोगे 1/2। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा डिनोमिनेटर होता है ना, ये क्या होता है डिनोमिनेटर, ये क्या होता है न्यूमिनेटर होता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्लियर। अब देखिए जो मेरा डिनोमिनेटर होता है हर होता है, हर हमारा हमेशा क्या रहेगा, टोटल रहेगा। क्या रहेगा, टोटल या ओरिजिनल रहेगा। क्या रहेगा, टोटल या ओरिजिनल रहेगा। इसका मतलब ये है, टोटल अगर 2 थे तो उसका 1 पार्ट आपने ले लिया। ठीक है, या आपने किसी को दिया, कुछ भी हो सकता है, बस आपको हर कंडीशन में यही समझना है जो मेरा हर है ये टोटल है। क्या है, टोटल या ओरिजिनल रहेगा। क्या है, टोटल या ओरिजिनल रहेगा। क्लियर, ये चीज़ आप समझ लो। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ और समझिए, अगर मैं यहीं पर एक और इसका पार्ट कर दूँ, एक और पार्ट कर दूँ। ठीक है, अब मैंने एक पार्ट कर दिया इसका, तो अब एक चीज़ समझिए, 1/1, टोटल मेरे कितने पार्ट हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। टोटल कितने, 3। अब 3 में से मैंने क्या किया, 2 पार्ट आपको दे दिए, 1 और 1, 2 पार्ट आपको दे दिए। तो मैंने आपसे कहा इसको फ्रैक्शन में लिखिए, कैसे, फ्रैक्शन में लिख लिए, तो आपने तुरंत कह दिया 2/3। कितना, 2/3। इसका मतलब ये है
टोटल थ्री पार्ट थे, थ्री पार्ट्स में से टू पार्ट आपके हैं, क्लियर। ये हमारा क्या रहेगा, टोटल रहेगा, क्या रहेगा, टोटल या ओरिजिनल रहेगा। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, इतनी चीज़ क्लियर। चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिए, अब मैं आपसे कह दूँ, मैंने आपको ये क्यों समझाया, अब मैं आपसे कह दूँ, अब आते हैं हम अपने परसेंटेज पे, किस पे, परसेंटेज पे आते हैं। एक चीज़ समझिए, मैंने आपको बताया था परसेंटेज का सिंबल रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे। मान लो कोई वैल्यू है, उस वैल्यू का मुझे परसेंटेज का सिंबल क्या करना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में क्या करेंगे, उस वैल्यू में मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे, उस वैल्यू में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इस सिंबल को, परसेंटेज के सिंबल को पुट करना, क्या करना, कोई फ्रैक्शन की वैल्यू है, क्या कोई फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके 80 नंबर आए हैं टोटल 100 में से, तो आपने किया 80/100 कर दिया, ये मेरा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया x/y के रूप में। तो परसेंटेज का सिंबल पुट करने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई 100 किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का जब सिंबल मुझे पुट करना है फ्रैक्शन में, तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा। मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं फ्रैक्शन में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जब मिक्स फ्रैक्शन की जो परसेंटेज होगी वो हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चलेंगे, क्लियर। अब एक चीज़ समझिए, मैं आपसे कह दूँ 10%, कितना 10% को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इस परसेंटेज को सिंबल को रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 × 1/100, क्लियर। 10 से 10 कितना आ गया, 1/10, कितना आ गया, 1/10। तो हम ये क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से कहाँ जा रहे हैं, फ्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्लियर। अब समझिए, अब मैं आपसे कह दूँ 20%, कितना 20%, कितना 20% है, 20% सिंबल को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100, 10 से 10, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना आ गया मेरा, 1/5, कितना आ गया, 1/5, क्लियर। अब देखिए 25% को समझिए, 25% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो क्या करेंगे, 25 × 1/100, क्या आ गया, 1/100। ये देखो 25 × 4 कितना होता है, 100 होता है, कितना होता है, 100 होता है, जब मेरा 100 होता है तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, तो कितना लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब समझिए, मैंने फ्रैक्शन में क्यों चेंज किया, अब इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास टोटल 10 नंबर है, कितने टोटल 10 नंबर है, जब 10 का मैं 10% निकालूंगा तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। देखिए क्रॉस चेक भी करवा दूँ, मैंने आपको बताया था ये 10 है, ठीक है, 10 का मुझे कितना 10% निकाल, तो मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू उसका परसेंटेज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई 10%, क्लियर। अब देखिए इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करने के लिए मैंने क्या बताया, 10 × 10 × 1/100, क्या आ गया, 1/100, 10 से 10 हमारा कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर टोटल मेरे पास 10 नंबर हैं तो 10 का 10% निकालें, कितना, 1 निकल के आएगा। ऐसे इसको समझिए, अगर मेरे पास टोटल 5 नंबर हैं, कितने 5, तो 5 का अगर 20% निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब समझिए, जैसे कि मेरा ये 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया 1/4, तो इसका मतलब भी वही है, अगर टोटल मेरे पास 4 नंबर हैं तो 4 नंबर का 25 निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, क्लियर। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत समस्या आ रही हो तो आप हमको बता सकते हो। अब समझिए, अब मैं आपसे कह दूँ 50%, कितना 50%, अब 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, वो तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100, 52 × 100, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए 75 को देखिए,
इसका देखिए परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे 75 मल्टीप्लाई अदो क्या हो जाएगा 1/100 क्या हो गया 1/100। इसको काटेंगे 25 से 3 बार जाएगा 25 3 जा 75 ये कितनी बार जाएगा 4 बार देखो 25 दिया 75 25 चुको 100 तो मेरा कितना आ गया 3/4 कितना आ गया 3/4 क्लियर। अब देखिए ये मेरा क्या आ गया 100% क्या आ गया 100% 100% को क्या लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 1/100% इसका सिंबल रिमूव करें ये 100 से 100 कट गया मेरा कितना आ गया 1/1 इसको लिख सकते हैं 1। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये तो अभी था नॉर्मल फ्रैक्शन, इसको मैंने किस में चेंज किया सॉरी ये मेरा क्या था नॉर्मल परसेंटेज थी इसको मैंने किस में चेंज किया फ्रैक्शन में चेंज किया। अब समझिए अब आगे चलते अब समझिए अब जैसे कि मैं मान लूँ कैसी परसेंटेज आया मेरी फ्रैक्शन में आया कैसी फ्रैक्शन में परसेंटेज आया है जैसे मैं आपसे बोल दूँ 16 सही 2/3% 16 सही 2/3% अब एक चीज़ समझिए ये मेरे क्या है मिक्स फ्रैक्शन है क्या मिक्स फ्रैक्शन है। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं समझिए इसको हम क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करें। आपने थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा या फिफ्थ या सिक्स में पढ़ा होगा ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 16 प्लस का 2/3 क्या हो गया 2/3 16 3 48 48 प्लस 2/3 कितना आ गया 3। अब देखो परसेंटेज का सिंबल इसमें पहली से लगा है तो हमारा कितना आ जाएगा 50/3 कितना आ गया 50/3। अब देखिए परसेंटेज का सिंबल ये लगा है इस सिंबल को क्या करेंगे रिमूव करेंगे तो रिमूव करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50/3 रिमूव करने के लिए 1/100 क्लियर। इसको काटेंगे ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा मेरा कितना आ गया 1/6 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। ये आपको याद करना है नहीं कर पा रहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं क्लियर। अब जैसे कि मैं आपसे कह दूं 9 सही 1/11% अब इसको कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्या करूँगा 2 पार्ट में डिवाइड किया 9 प्लस का 1/11 क्लियर। अब देखिए 11 9 जो कितना होता है 99 और 1 कितना हो गया 100 तो हम लिख सकते हैं 100/11 ठीक है। अब देखो परसेंटेज का सिंबल इसमें पहले से लगा है तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1/100 क्लियर। 100 से 100 कट गया तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/11 आ गई। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं आपको फ्रैक्शन के कुछ परसेंटेज करवाता हूँ ये हो गया हमारा। अब जैसे मैं आपसे कह दूँ 11 सही 1/9% कितना 11 सही 1/9% इसको क्या लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं। देखिए जब भी आपको किसी और भी फ्रैक्शन आ जाए परसेंटेज की उसको आप क्या करोगे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो क्लियर। वैसे आपको ज़्यादा जो फ्रैक्शन परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं आएगी। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब एक चीज़ और समझिए जैसे कि परसेंटेज की मैंने आपसे बात की थी ना तो उसको मैंने क्या कहा था ये मान लो ये मेरा सेटअप है कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है ठीक है। अगर इस सेटअप को मैंने लगाया इसमें केवल साझेदारी यानी भागीदारी केवल मेरी है तो इसका मतलब 100% मेरा है। आपने तो इसमें कुछ दिया नहीं। अगर आपने इसमें कुछ दिया है मान लो 50% की पार्टनरशिप की अगर मान लो 2 रुपये था ठीक है 2 रुपये में 50% की पार्टनरशिप की तो इसका मतलब हो गया 1 रुपये आपका है और 1 रुपये हमारा है तो टोटल मेरा कितना हो गया 2 तो ये मेरा क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा क्लियर। ये मेरे कितना 50% की क्या होगी पार्टनरशिप हो गई। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब समझिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिक्रीज इंक्रीज पे। डिक्रीज इंक्रीज पे हमारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं और उसी पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन होंगे और परसेंटेज भी उसी पे ख़त्म हो जाएगी जो सुपरटेट का लेवल है उस पे। अब समझिए मैं इंक्रीज को इस सिंबल से दिखाऊंगा आपके सिंबल से और डिक्रीज को डाउन के सिंबल से क्लियर। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अब एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, मैं आपसे कह दूं कोई संख्या है उसको 10% क्या किया, इंक्रीज किया, और 10% डिक्रीज किया, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव या कितने प्रतिशत का इफेक्ट पड़ेगा, समझिए। अब एक चीज़ समझिए, परसेंटेज और नंबर में अंतर समझिए। अगर यही बात मैं नंबर की करता, अगर मैं कह देता हूँ मेरे पास 100 नंबर हैं या 100 रुपये हैं, क्लियर। अब देखो 100 रुपये हैं, अगर मैं 100 रुपये को क्या कर रहा हूँ, 10 माइनस कर रहा हूँ, कितना 10 माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा कितना हो गया 90, कितना हो गया 90 हो गया। अगर मैं 90 में 10 ऐड कर रहा हूँ इसको, यानी 10 रुपये से और बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा कितना हो गया 100 हो गया। अब एक चीज़ समझिए, पहले भी 100 था, अब भी मेरा क्या 100 है, तो इसका मतलब नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज में इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कैसे पड़ेगा। अब समझिए कैसे पड़ेगा, अगर मैं कह दूँ ये मेरा कितना है 100%, ये मेरा कितना 100 है, कितना 100 नंबर है। जब ये 100 नंबर है, इस 100 नंबर को मैंने क्या किया 10% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, 10% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यानी कम कर दिया, कम कर दिया मैंने। तो देखिए 100 का अगर मैं 10% निकालूंगा मेरा 10 आएगा। देखिए कैसे निकालता हूँ, 100 × 10%, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। परसेंटेज का सिंबल रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे कर देते, क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 मेरा कितना आ गया 10 निकल के आ गया। देखिए बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहे हैं, अब कितना आ गया 10, तो ये क्या रहा डिक्रीज हो रहा, तो मेरा कितना हो गया 90, यानी कि 90 हो गया। फिर उसने क्या किया, इसको 10% डिक्रीज, वो सॉरी 10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया 10% इंक्रीज कर दिया। अब उसने क्या किया, जो मेरे पास 90 नंबर है उसको 10% क्या कर दिया, उसने इंक्रीज कर दिया। निकालो कैसे निकालेंगे, 90 का मेरा कितना है 90 × 10%। अब परसेंटेज का सिंबल रिमूव करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, 1/100, 10 से 10 हमारा कितना आ गया 9 निकल के आ गया। इसका मतलब ये है 90 का 10% निकालेंगे तो हमारा कितना 9 निकल के आ रहा, ये क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तो हमारा कितना हो गया 99 हो गया। ये देखिए परसेंटेज में हमेशा देखो, परसेंटेज मैंने 100 को क्या किया 10% डिक्रीज किया, 10% बढ़ाया, तो हमारा कितना आया 99 आया, कितने का इफेक्ट पड़ा 1 का, कितने का पड़ा 1 का। तो इसका मतलब इससे हम ये समझे, नंबर होगा अगर नंबर को मैं 10% कम, सॉरी नंबर को अगर मैं 10 कम करूंगा और 10 बढ़ाऊंगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नंबर को मैं परसेंटेज में डिक्रीज इंक्रीज कर रहा हूं तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होंगी, एक चीज़ समझिए, एक चीज़ सीख लीजिए, नहीं तो आपको कोई पता चले आपको जो सैलरी है 10% बढ़ा दे, 10% डिक्रीज कर दे, आप तो सोचो मेरा तो बढ़ गया होगा, लेकिन कम हो रहा है, क्या हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है। आप समझिए आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मेरे पास 100 नंबर थे या 100 संख्या थी, 100 संख्या को 10% डिक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया, तो बताइए वह संख्या कितने परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज, यानी कि वृद्धि या कमी हुई, तो हम कैसे निकालेंगे, समझिए। ये मेरा कितना है 100 से कितना हो रहा 99 हो रहा, कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा, कितना 1, किस पे 100 पे, ये मेरा क्या ओरिजिनल वैल्यू है, हमेशा परसेंटेज किस पे निकालते ओरिजिनल पे निकालते, कितना कम हो रहा 1 कम हो रहा, किस पे 100 पे। जब 100 पे 1 कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे परसेंटेज का सिंबल लगाने की मल्टीप्लाई 100 से 100 कट गया, मेरा कितना आ गया 1% क्या हो गया ये डिक्रीज हो गया, क्लियर। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको इस तरीके से नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना, बस आपको इसको समझाने के लिए किया मैंने। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब समझिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास कितने 1000 रुपये हैं, कितने 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये को क्या किया 10% क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, क्लियर। अब जब डिक्रीज कर दिया 10% और फिर उसी नंबर को क्या किया 10% क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। अब समझिए ये मेरा कितना है 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं,
और ये मेरा क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन। अब देखिए ये क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, ये क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। अब समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मेरा हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो हमारा क्या होता है, टोटल होता है, क्या होता है, टोटल होता है, क्या होता है, टोटल, टोटल या ओरिजिनल या वास्तविक या सामान्य या नॉर्मल अंक, कुछ भी कह सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है, ठीक है। अब समझिए, अगर टोटल मेरे पास 10 नंबर थे, 10 संख्या थी, 10 का अगर 10% निकालें, 10% निकालें, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 1। अगर देखो ये मेरा क्या ओरिजिनल, अगर मेरे पास ओरिजिनल 10 नंबर थे, कितने ओरिजिनल, अगर मेरे पास 10 नंबर थे तो 10 का 10% निकाला, कितना, 1 निकाला, लेकिन डिक्रीज हो रहा तो हम क्या करेंगे, 10 से 1 माइनस कर देंगे, तो मेरे पास जो न्यू नंबर रहेगा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब समझिए फिर क्या कर रहा है, फिर उसी नंबर को उसने क्या किया, 10% इंक्रीज कर दिया। मैंने आपको बताया मेरा हर हमेशा क्या होता है, टोटल होता है। अगर टोटल मेरे पास 10 है, 10 का 10% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, कितना, 1 निकल के, तो 1 निकल के आ रहा, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं 10 का 10% बढ़ा रहा तो कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा। तो हम लिख सकते हैं ओरिजिनल अगर मेरा 10 था तो 10 से 1 बढ़ रहा, तो मेरा कितना हो रहा, 11 हो रहा है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया मेरा, 100 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 121 आ जाए, 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 121 होता है। क्लियर, आप समझिए एक चीज़ समझिए, एक चीज़ समझिए, सॉरी यहाँ पे देखो, ये क्या था, यहाँ क्या था, डिक्रीज था, सॉरी क्या था, डिक्रीज था, एक मिनट, यहाँ क्या था, डिक्रीज था। अब जब देखो डिक्रीज है तो 10 से 1 कम हो रहा, तो यहाँ कितना आएगा हमारा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। जब मेरा 9 आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 99 हो जाए, 11 का मल्टीप्लाई जब 9 में होगा तो हमारा क्या होगा, 99 होगा। देखिए समझिए, अगर मेरे पास टोटल 10 थे, 10 का 10% निकाला, कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ, ये क्या रहा, डिक्रीज हो रहा, तो डिक्रीज हो रहा तो हम 10 से कितना, 1 कम हो रहा, तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाए, कितना आ जाए, 9 आ जाए। ऐसे इधर अगर मेरे पास 10 है तो 10 का 10% निकालें, कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा, तो 1 निकल के आ रहा, तो देखो तो ये क्या रहा, बढ़ रहा, तो 10 से मेरा कितना होगा, 11 हो गया। आप समझिए मेरे पास वैल्यू कितनी थी, वैल्यू कितनी थी, 1000 यानी 1000, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 1000 10 का कर दें, तो ऐसी मुझे न्यू नंबर निकालने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, 10 का करें, तो मेरा कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा, मेरा जो न्यू नंबर निकल के आएगा कितना आएगा, 990 निकल के आएगा। अब देख क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि किसी संख्या को 10% डिक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया, तो बताइए उस संख्या में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, कितना अंतर आएगा, तो हम तुरंत बता देंगे 100 से कितना हो रहा, 99 हो रहा, कितना कम हो रहा, 1 कम हो रहा, कितना हो रहा, 1 कम हो रहा। जब 1 कम हो रहा तो हम लिख सकते हैं 1/100 परसेंटेज का सिंबल लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100, ये कट जाएगा, मेरा कितना आ गया, 1% क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब समझिए मैंने ये क्यों समझाया, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन आपका आ जाए फ्रैक्शन में आ जाए, यही समझ लीजिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए, मैं आपसे कह दूं जैसे 16 सही 2/3%, किसी संख्या को 16 सही 2/3% क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। जब इंक्रीज किया है, समझ में आ रहा, क्या किया, इंक्रीज किया, तो 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, ये क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। अगर यही बात कहूँ मैं, समझो अगर यही बात मैं कहूँ 9 सही 1/11% क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/11 लिख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, तो माइनस लगा लेंगे, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल और न्यू की बात करेंगे, या हम कह सकते हैं पहले और अब की बात करेंगे, पहले और अब की बात करेंगे। समझो अगर ओरिजिनल, देखो ओरिजिनल अगर मेरे पास 6 नंबर है, कितना 6 नंबर है, 6 नंबर का 16 सही 2/3% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले क्रॉस चेक करके भी बताया था, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब देखो जब 1 निकल के आ रहा तो ये क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, तो 6 से क्या हो गया,
सेवन हो गया, क्या हो गया, सिक्स से क्या हो गया, सेवन हो गया। अब समझिए यहाँ पे समझ, फिर क्या कह रहा है, उसी संख्या को क्या किया, 9 से 1 बटा 11% डिक्रीज कर दिया। अब देखिए 11 है, 11 का 9 से 9 से 1 बटा 11% निकालेंगे कितना, 1 निकल के आ रहा, ये क्या रहा डिक्रीज हो रहा है, क्या रहा डिक्रीज, तो हम 11 से 1 डिक्रीज हो रहा तो कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10। यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझिए ये मेरा कितना आ गया, 6 का जब 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 66 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब देखिए मेरा 66 से कितना बढ़ रहा है, 70 हो रहा, कितना हो रहा 70 हो रहा, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, कितना 4, कितने पे 66 पे, तो हम लिख सकते हैं 66/4 परसेंटेज का सिंबल लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100, क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/4 इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको काट दो नहीं तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अगर काटना चाहो तो और काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आंसर होगा उसके हिसाब से हम जाएंगे, क्लियर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपका बेसिक जो है पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया। अगर इसमें कुछ दिक्कत समस्या हो तो आप हमको बता सकते हो, और फिर आपकी जो क्लास रहेगी, अब आपके क्वेश्चन लगेंगे उसमें, अगर कोई दिक्कत समस्या आए तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।